गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास में हम इस समय पढ़ रहे हैं एचटीएमएल, और आज जो हम सीखेंगे एचटीएमएल में, मैंने आपको विभिन्न प्रकार के टैग्स बताए थे, जिनको आपने यूज किया होगा, टैग का यूज किया होगा, और वो टैग की पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड किया था। आज जो हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल विद मल्टीमीडिया, एचटीएमएल का मल्टीमीडिया में क्या। अभी तक तो हमने बेसिक एचटीएमएल सीखा, एचटीएमएल क्या है उसके कुछ मैंने टाइप भी बताए, अब एचटीएमएल को मल्टीमीडिया के साथ कैसे यूज करते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। और आज मेरा एचटीएमएल के साथ लास्ट वीडियो होगा जो मल्टीमीडिया के साथ होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इसको जरूर देखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मल्टीमीडिया में एचटीएमएल का क्या रोल है। सबसे पहले हेडिंग ही मैंने रखा है एचटीएमएल मल्टीमीडिया, HTML मल्टीमीडिया के साथ क्या यूज है। मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, मल्टीमीडिया की जो जरूरत है तो क्या है, वेब पेज में साउंड की, म्यूजिक की, वीडियो की, मूवी एंड एनिमेशन। मल्टीमीडिया क्या होता है, वेब में साउंड भी चलता है मल्टीमीडिया का, म्यूजिक भी चलता है, वीडियो भी चलते हैं, मूवी भी चलती है, एनिमेशन भी चलते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। मल्टीमीडिया कम इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट है, इट कैन बी Almost anything you can hear or see. For example, जैसे कौन से हैं, images, music, sound, video, record, film, animation, more. बहुत सारे इसके ऑब्जेक्ट हैं, कंपोनेंट जिनको हम यूज करते हैं और इनको वेब पेज में हमको जरूरत होती है। एक एक करके हम इसको सीखेंगे, लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट भी हम सीखेंगे, क्या जरूरत होती है मल्टीमीडिया में। आज की वीडियो में पूरा हम सीखने वाले हैं। जैसे ब्राउजर सपोर्ट, सबसे पहले मैं बात करूं तो ब्राउजर सपोर्ट की यदि बात करूं मैं, तो ब्राउजर कौन सा सपोर्ट करता है ये भी मैं आपको बता दूं। मल्टीमीडिया में द फर्स्ट वेब ब्राउजर हैज सपोर्टेड फॉर टेक्स्ट ओनली, लिमिटेड टू द सिंगल फॉन्ट एंड सिंगल कलर। पहला जो वेब ब्राउजर था वो सिर्फ क्या सपोर्ट करता था, टेक्स्ट, यानी कि उसमें साउंड, वीडियो ये सब सपोर्ट नहीं करते थे। फिर इसके बाद जो ब्राउजर आया उसमें विभिन्न प्रकार के कलर और इमेजेस सपोर्ट करने लगे, ये आपको बताना पड़ेगा तो कौन से ब्राउजर। इसके बाद आज जो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्राउजर है, उसमें हम ऑडियो भी चला सकते हैं, वीडियो भी चला सकते हैं, एनिमेशन भी चला सकते हैं, हैंडल डिफरेंटली बाय द मेजर ब्राउजर। आज जितने भी मेजर ब्राउजर हैं सभी इनको हैंडल करता है, डिफरेंट फॉर्मेट हैज बीन द सपोर्टेड। कुछ आज भी ऐसे ब्राउजर है जो अलग अलग फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। ओके, HTML5 मल्टीमीडिया, HTML5 का जो यूज है वो सबसे ज्यादा मल्टीमीडिया के फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। अब हम देखेंगे मल्टीमीडिया के कौन से फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, आप ध्यान दें कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट कौन से हम यूज कर सकते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। मल्टीमीडिया एलिमेंट लाइक ऑडियो एंड वीडियो सबसे ज्यादा यूज होने वाले, एंड एनिमेशन और स्टोरिंग मीडिया फाइल, ये मीडिया फाइल होती हैं जैसा कि आपको मालूम है, इनको हम एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, द मोस्ट कॉमन वे द डिस्कवर द टाइप ऑफ फाइल लुक लाइक द एक्सटेंशन, कौन से फाइल हम यूज करते हैं मोस्टली, ये एक्सटेंशन की फाइल यूज करते हैं, डॉट एस डब्ल्यू एफ स्विफ्ट फाइल, डॉट ए डब्ल्यू बी, डॉट एम पी थ्री, डॉट एम पी फोर, डॉट एम पी जी, डॉट डब्ल्यू एम बी, डॉट ए वी आई, ये फॉर्मेट हमारा मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, ब्राउजर में इनको हम रन कर सकते हैं। कॉमन वीडियो फॉर्मेट कौन से हैं, ये फॉर्मेट है कुछ जिनको हम यूज करते हैं, जो आज हम जितने भी वीडियो बनाते हैं आप जो देखते हैं यूट्यूब पे अपलोड करते हैं MP4 में बनाते हैं, जिससे आप आसानी से चला सकते हैं। और यूट्यूब में देखिए MP4 इज रिकमांडेड बाय द यूट्यूब, यूट्यूब में जो चलता है MP4 ही चलता है। MP4 इज सपोर्टेड बाय द फ्लैश प्लेयर, ये MP4 फ्लैश प्लेयर में भी चलता है। MP4 इज सपोर्टेड बाय HTML5, HTML5 में भी MP4 सपोर्टेड करता है, इसलिए सबसे मोस्ट पॉपुलर जो फॉर्मेट है हमारा MP4। ओके, MP4 पर जो हमारा फॉर्मेट है सबसे पॉपुलर था, बाकी ये सारे सपोर्ट करते हैं MPG, ये इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया है, आप इसको यूज करिएगा। MPG कौन कौन से है ये फाइल मैं आपको भेज भी दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसको यूज भी कर सकते हो।
कुछ फॉर्मेट हैं जिनको हम यूज करते हैं। इन फॉर्मेट को यूज करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। जैसे टेबल छोटा कर देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ में आ जाए। इधर से भी थोड़ा सा टेबल मैं छोटी कर देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए फॉर्मेट। ओके, देखिए ये कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जिनको यूज किया जाता है। एमपीजी के नाम से होता है। एमपीजी डेवलप बाय द, ये आपको मालूम होना चाहिए एमपीजी को किसने डेवलप किया है, मूवी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ने डेवलप किया। ओके, द फर्स्ट पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट है ऑन द वेब पेज के लिए सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। यूज बाय द सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं बट इट इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5। सी आपका क्या आता है MPG4। ओके, AVI एक फॉर्मेट होता है, उसका नाम होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट होता है। डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कॉमनली यूज बाय द, जिसको कॉमन यूज किया जाता है। इसका वीडियो कैमरा एंड टीवी हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। प्ले बेल ऑन द विंडो कंप्यूटर बट डज नॉट सपोर्ट वेब ब्राउजर, ये वेब ब्राउजर में सपोर्ट नहीं है। हमें ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन से फॉर्मेट हमारे सपोर्ट करते हैं, उसी फॉर्मेट के आप वीडियो उसमें रन कर सकते हैं। अगला, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इनके आपको डिटेल नोट कर लेना है। ये नोट्स मैं आपको भेज भी दूंगा PDF बनाकर, ठीक है? तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। MPEG क्या है, AVI क्या है, WMV क्या है, विंडो मीडिया फॉर्मेट है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो वीडियो कंप्यूटर हार्डवेयर सेम होता है, वेब ब्राउजर नॉट सपोर्टेड। ओके, क्विक टाइम डेवलप बाय द एप्पल कंप्यूटर जो आपका यूज होता है, इसका भी यूज कैमरा एंड टीवी हार्डवेयर के लिए होता है और ब्राउजर नॉट डिपोजिट ब्राउजर जो सपोर्ट करता है MP4। ओके, रियल वीडियो डेवलप बाय द रियल मीडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया जाता है, विद बैंडविड्थ के लिए यूज किया जाता है। इट इज द स्टिल यूज फॉर द ऑनलाइन वीडियो, इंटरनेट के जो वीडियो मोस्टली वो किसमें बनते हैं, रियल वीडियो। और ये भी फ्लैश में बनाया जाता है, SWF फ्लैश डेवलप बाय द माइक्रोमीडिया फ्लैश ऑफ्टन रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्लग इन प्ले द ब्राउजर, ये ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ब्राउजर में इसका भी यूज किया जाता है, जावा के माध्यम से भी, प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक वेब फॉर्मेट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है, डेवलप बाय द 6 पिन ऑन फाउंडेशन बाई सपोर्टेड बाई HTML5 के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। डेवलप बाई था गेंट मोजिला ओपेरा एडोब एंड द गूगल सपोर्टेड बाई, ये फॉर्मेट भी एक पॉपुलर फॉर्मेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं HTML5 में। तो ये HTML5 के यूज होने वाले फॉर्मेट है, आप इनका यूज कर सकते हैं। MPEG4 ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, हम इसी का यूज करते हैं। MPEG4 डेवलप बाय द मूवी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइम ओनली यूज इन द नीवर वीडियो कैमरा एंड टेलीविजन हार्डवेयर प्लस सपोर्टेड बाय ऑल HTML5 ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर हैं सभी के द्वारा रिकमेंडेड बाय यूट्यूब। यूट्यूब रिकमेंड करता है कि MPEG4 आप यूज करें। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है, इसको मैं MPG4 मोबाइल में भी चला सकते हैं, आप सभी में इसको यूज कर सकते हैं। ओनली MPG4 वेब एंड वेब वीडियो सपोर्टेड बाय वेब ब्राउजर, ये केवल वेब ब्राउजर में HTML5 में सपोर्ट करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HTML5 में
HTML5 में जो वेब ब्राउजर यूज होता है उसमें कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट किए जाते हैं तो आप बता सकते हैं? ओनली MPG4, पेवियम एंड वेब वीडियो आर सपोर्टेड बाय द HTML5। के हमारे पास जो अभी मेरे पास MPG4 है, मैं MPG4 का एग्जांपल बनाकर आज आपको दिखाऊंगा कैसे ये सपोर्ट करता है। के अब बात करते हैं ऑडियो फॉर्मेट। जैसे हमने देखा ये वीडियो फॉर्मेट कि हमारे वीडियो फॉर्मेट कौन से सपोर्ट होते हैं, उसी प्रकार से अब आज हम बात करते हैं किसको, ऑडियो फॉर्मेट, कि ऑडियो फॉर्मेट हमारे कौन से सपोर्ट करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट हमारे कौन कौन से सपोर्ट करते हैं। ओके, ऑडियो MP3 द न्यूएस्ट फॉर्मेट फॉर द म्यूजिक, म्यूजिक के लिए है रिकॉर्डेड म्यूजिक, देन MP4 आई थिंक सिनोनिमस विद द डिजिटल म्यूजिक के लिए, ये फॉर्मेट हमारे कुछ पाए जाते हैं जिनको हम यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ फॉर्मेट को। MIDI या इसको बोला जाता है MID, ये फॉर्मेट चलता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट आपको मैं यहीं पे पढ़ाया जा रहा हूँ इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है मेन फॉर्मेट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइस लाइक सिनेसाइजर जो आता है, सिनेसाइजर उसमें इसका यूज किया जाता है। इनका PC साउंड कार्ड जो आते हैं MIDI के आते हैं, फाइल डू नॉट कंटेन द साउंड बट डिजिटल नोट्स दैट कैन बी द प्ले बाय द इलेक्ट्रॉनिक प्ले वे ऑन ऑल कंप्यूटर एंड म्यूजिक हार्डवेयर बट डज नॉट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में हम इसका यूज नहीं कर सकते। रियल आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि कौन सा वेब ब्राउजर में यूज होगा। रियल ऑडियो डेवलप बाय द रियल मीडिया टू अलाउ द स्ट्रीमिंग के लिए आप ऑडियो विद लो बैंडविड्थ होती है इसकी, डज नॉट प्ले एंड वेब ब्राउजर। नेक्स्ट आपके पास है WMA, विंडो मीडिया ऑडियो है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप प्लेबैक कर सकते हैं बट नॉट डज नॉट सपोर्टेड वेब ब्राउजर में, इसको भी नहीं सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं हम AWC का, ये एडवांस ऑडियो कोडिंग है, डेवलप बाय द एप्पल के द्वारा है, डिफॉल्ट फॉर्मेट है आईट्यून्स प्ले वेल ऑन द एप्पल कंप्यूटर बट डज नॉट सपोर्ट द वेब ब्राउजर, ये भी नहीं सपोर्ट करता है। फिर अगला हमारा अगला है WAV, WAV डेवलप बाय द IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों के द्वारा, प्ले वेल ऑन द विंडोज मैकिंटोश एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय HTML5, HTML5 के द्वारा WAV फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ये हमने पहले ही बताया, ये तो HTML आपको सपोर्ट ही करता है। MP3 भी आपका सपोर्ट करता है। MP3 फाइल्स आर द एक्चुअली आर द साउंड पार्ट ऑफ द MPG फाइल, MPG इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर म्यूजिक, कंबाइन द गुड कंप्रेशन स्मॉल फाइल विद द हाई क्वालिटी के साथ, हाई क्वालिटी में आपको मिलती है, सपोर्टेड बाई ऑल ब्राउजर, सभी ब्राउजर इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। MPG4 तो आपको मालूम ही है सबसे बेस्ट ब्राउजर आपका फॉर्मेट है, उसको सभी सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से आप इनका भी बता सकते हैं कि ऑडियो में हमारे कौन कौन से MP3, WAV एंड वेब ऑडियो और सपोर्टेड बाई HTML5। प्लेइंग वीडियो इन द HTML, HTML में कैसे वीडियो को प्ले करते हैं, बिफोर द HTML5 कोड ओनली विद द प्ले इन ब्राउजर प्लग इन लाइक ए फ्लैश, फ्लैश चाहिए यदि हमें ब्राउजर में ही उनको प्ले कराना है तो हमको फ्लैश की आवश्यकता होती है, आपके पास फ्लैश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो 5 एलिमेंट स्पेसिफाइड है स्टैंडर्ड पे, एम्बेडेड भी कर सकते हैं हम, सपोर्टेड बाई वीडियो, हम एम्बेडेड कैसे करते हैं उसको जोड़ सकते हैं वीडियो 4.4, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे में वीडियो को यूज करने के लिए हमको जो यूज करना है वीडियो एलिमेंट यूज करना है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा,
वीडियो, उसकी विड्थ देना, हाइट देना, कंट्रोल जितना भी हमको देना है। सोर्स फाइल देंगे, जो हमारी फाइल होगी उसका एड्रेस देंगे हम, टाइप वीडियो देंगे किस प्रकार का है, MP4 है, इसी प्रकार से उसका साउंड सोर्स से हम जितने चाहें उतने यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक वीडियो दे सकते हैं। योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इन द वीडियो टैग, ये यदि हम लिख सकते हैं, बाद में वीडियो टैग हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यानी कि वीडियो टैग के अंदर हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे और फिर सोर्स का यूज करके हम अपनी वीडियो फाइल की लिंक को यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं, एक बनाते हैं HTML। HTML ये हमारा बना हुआ है, वो इस टैग में पेज को चेंज कर देता हूँ, वीडियो डेमो कर देता हूँ, वीडियो डेमो, और इसका नाम दे देते हैं वीडियो सेल्फ वीडियो। वीडियो की हाइट और विड्थ जितना आपको देना हो आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं। ये वीडियो टाइप मैंने यूज किया, यहाँ पे जितने वीडियो आपको देखना है, मैं एक वीडियो पहले यूज करता हूँ, सिंपल एक वीडियो आप यूज करिएगा। कहीं तो मैं इसको भी भेज दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज के वीडियो में, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा प्रोग्राम को। वीडियो टाइप को मैंने क्लोज किया, यहाँ पे मैंने ये क्लोज किया, इसमें मैंने सोर्स SRC में अपने वीडियो की फाइल का जो पाथ है वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, ये मेरी फाइल, कल जो मैंने वीडियो बनाया था व्हाट इज HTML एंड फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML, मैं एक दिन पहले बनाया था, उसी को मैंने यहाँ पे रख दिया। पाथ कैसे लाते हैं वो तो आपको मैंने बताया ही था, एक बार फिर से बता देता हूँ। मेरे इसमें जैसे वीडियो पड़े रहते हैं जो मैं आप लोगों को बनाता हूँ, मैंने मल्टीमीडिया का वीडियो, ये जैसे राइट क्लिक किया, इसका मैंने कॉपी कर लिया था यहाँ से, MP4 मेरा वीडियो है, फाइल फॉर्मेट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से पाथ को कॉपी किया था, फिर ये नाम अपना ले गया था और डॉट में क्या लिख दिया है मैंने MP4, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट मेरा क्या है MP4, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइप में वीडियो MP4, इस फाइल को अब हम सेव कर देंगे। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा, रन करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट में गया, ये मेरी फाइल है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारा वीडियो आ गया HTML वेब ब्राउजर में, हमारा वीडियो डिस्प्ले हो गया। अब यदि मुझे वीडियो चलाना है, सेल्फ वीडियो ये मैंने लिखा था टाइटल में, वीडियो डेमो था मेरा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास में कल हमने सीखा था RTF टेक्स्ट क्या है, HTML टेक्स्ट क्या है, आप पूरा वीडियो चार में टेक्स्ट डिजाइनिंग भी मैंने आप मीडिया एंगल ब्रैकेट के अंदर जैसे टैग नेम, फुल स्क्रीन भी कंटेंट्स होंगी है जो दिखाना है उसका लाल स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा। HTML में जितने भी टैग स्क्रीन हटाना है उसमें यूज करना पड़ा है, आपने देखा यहाँ हमने HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ये बात समझ में आ गई। इसी में हम दूसरा वीडियो भी लाएंगे, थोड़ा मैं आगे और आपको बता दूं, पहले हाउ टू वर्क कंट्रोल कैसे करते हैं, हाइट विड्थ क्या होता, जैसा कि मैंने बताया आपका सोर्स बताया, हम अब इस बार ऑटो प्ले चाहते हैं, अभी मुझे प्ले करना पड़ता है तब वीडियो चलना, हम चाहते हैं कि ऑटो प्ले हो जाए, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, यही जो आपका वीडियो है यहाँ पे आपको ऑटो प्ले दे देना है। हाइट भी हमने उस बार भी दिया था, देखो देख लीजिए यहाँ पे हमने कंट्रोल दिया था, कंट्रोल इसकी जगह हम क्या चेंज कर देंगे ऑटो। ओके, इसी में चेंज कर देता हूँ कंट्रोल पर, कंट्रोल की जगह मैं क्या लिख देता हूँ ऑटो पे, और इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे चेंज। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक वीडियो आ गया। मल्टीमीडिया की क्लास में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑडियो राइट HTML के साथ वीडियो केवल यूज ऑडियो को यूज में टेस्ट डिजाइनिंग भी मैंने आपको एक से अधिक मान लीजिए वीडियो मुझे चाहिए, क्योंकि एक मैं मल्टीमीडिया एक कंट्रोल का रिलेशन है, दोनों मिलते हैं देख लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चन HTML में भी आ जाते हैं, HTML के कुछ टैग उनसे जाते हैं, इसलिए मैं आपको
और थोड़ा सा शॉर्टली इंट्रोडक्शन एचटीएमएल के बारे में भी बताऊंगा और एचटीएमएल को भी आर्टिकल में मैंने शॉर्टली ही बताया था। मल्टीमीडिया में कई सॉफ्टवेयर आपको चलाने के लिए देंगे क्योंकि मल्टीमीडिया हर सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन है। जब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है तो कई सॉफ्टवेयर की हमको आवश्यकता होती है। हमें टेस्ट भी डिजाइन करना वीडियो उठा लेता हूँ, वेब पेज के लिए भी हमको यूज करना पड़ता है, वेबसाइट में भी यूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी नाम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे और एचटीएमएल के अंतर्गत एचटीएमएल टैग्स को हम जानेंगे। मैंने एचटीएमएल टैग्स की डेफिनेशन कल आपको बताई थी। ओके ये भी तो आइए मैं शॉर्टली इंट्रोडक्शन आपको एचटीएमएल का बता देता हूँ। कंट्रोल सी, हम इसके अंतर्गत जो सीखने वाले हैं मैं एचटीएमएल में सेव किया वो कुछ टैग और यहाँ सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। मल्टीमीडिया की क्लास में कल हमने सीखा था, अभी मैंने एक आरडीएफ किया है, एचटीएमएल टेक्स्ट किया है, इसको कॉपी किया है, टेक्स्ट डिजाइनिंग भी मैंने आपके एक बार बताया। क्योंकि मल्टीमीडिया का रिलेशन एचटीएमएल से है तो कुछ क्वेश्चंस एचटीएमएल से ही रिलेटेड आ जाते हैं, एचटीएमएल के कुछ टैग्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्ले कर सकते थोड़ा सा शॉर्टली इंट्रोडक्शन एचटीएमएल के बारे में भी बताऊंगा और एचटीएमएल को भी चलाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मल्टीमीडिया में कई सॉफ्टवेयर आपको चलाने के मिलेंगे क्योंकि मल्टीमीडिया हर सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन है। जब मल्टीमीडिया पर क्लोज किया दो वीडियो में आइए एक ऑटो प्ले है एक में मेरा कंट्रोल। मल्टीमीडिया की क्लास में कल हमने सीखा ये ऑटो प्ले है, हम आरटीएफ टेक्स्ट को बंद नहीं कर सकते और इसमें मेरा कंट्रोल मिल रहा है। आप मैं टेस्ट स्टार्ट जाएंगे मैं मल्टीमीडिया के कंट्रोल चालू कर सकता हूं और मल्टीमीडिया तो पटका रेडियो हमारे के लिए पे है कि हम ऑटो प्ले रहते मल्टीमीडिया ही मल्टी आ जाते हैं। एचटीएमएल के कुछ किया ये आपका कोड है, फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। तो ऑटो प्ले भी मैंने आपको बता दिया, वीडियो ब्राउजर तो हमने बता ही दिया था, मैं इनमें से कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, ये नोट्स आपको भेज दूंगा। मीडिया प्लेयर भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। सेम इसी प्रकार से ऑडियो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑडियो का यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, आप एक बार चला के देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आए ऑडियो पे तो आप मुझे कमेंट में भेजिएगा, मैं आपको ऑडियो का भी एक प्रैक्टिकली बनाकर भेज दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऑडियो का प्रोग्राम चला के देख लीजिएगा, या कल मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसका जिसमें ऑडियो और यूट्यूब से भी वीडियो चलाना सिखा दूंगा। आप एचटीएमएल पे डायरेक्ट यूट्यूब से भी वीडियो चला सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वीडियो चलाना एक एक करके आप सीखिए, ऑडियो छोड़ दीजिए, ऑडियो मैं बाद में आपको बता दूंगा, आज आपको इतना ही चलाना है। ये जो बताया वीडियो को चलाना, वीडियो कंट्रोल के साथ चलाना और वीडियो को ऑटो प्ले में चलाना। ओके okay?